शाह तलाई के आसपास फंसे प्रवासियों को खाद्यान्नों की कमी न आए इसके चलते जिला प्रशासन ने मंदिर न्यास शाह तलाई के सौजन्य से नगर पंचायत के द्वारा 112 प्रवासी परिवारों को घर द्वार राशन पहुंचाया है। इसके अलावा प्रवासियों को मास्क भी बांटे गए। यहां तलाई में जो नगर निगम का जो एरिया है यहां पे बहुत सारे प्रवासी मेले के लिए आए थे, लेकिन मेला जो है स्थगित होने के कारण यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर ही ठहरे हुए हैं। इनके लिए पहले भी प्रशासन की तरफ से इनके लिए ड्राई राशन दिया गया था और अब दूसरी शिफ्ट में भी इनको दिया जा रहा है, जिसमें 10 किलो इनको गेहूं का आटा, 5 किलो चावल, 3 किलो आलू, 1 किलो दाल, 1 लीटर इनको मस्टर्ड ऑयल और 100 ग्राम हल्दी दी जा रही है। नमक इनके पास पहले है। उसके अलावा भी इनको मास्क भी दिए गए हैं और दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर मान लो इनको कोई भी आवश्यकता होगी तो इनको जो है यथासंभव सहायता जो है प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके लिए जो है यहाँ पर हमने स्थानीय जो हमारे प्रभारी हैं उनको भी हमने कहा है कि कोई भी किसी प्रकार से भूखा ना रहे, जब भी राशन की आवश्यकता होगी हमें बताएं और ताकि समयबद्ध रूप से इनका आगे की सामग्री का प्रबंध किया जाए और इनको बांटी जाए। और मेरी सबसे अपील यही रहेगी कि लोग भी साथ दें, लोग भी ऐसे जो लोग हैं जो बार बार जिनको राशन मिलने के बाद भी बार बार ये जा रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, लोग भी इन पर नजर रखें। अभी जल्दी ही इनकी स्क्रीनिंग करवाई जाएगी डॉक्टरों के द्वारा और इनमें स्थानीय स्तर पर अगर देख कोई काम संभव हुआ तो इनको काम के लिए भी डॉक्टरों की स्क्रीनिंग के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए इनके लिए काम भी ढूंढा जाएगा। और यही हमारी विनती है सभी लोग जो हैं और पब्लिकली जब भी ये जाएंगे तो मास्क इनके ऊपर मास्क लगा होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शाह तलाई से कमल शर्मा। दीजिए अपने बच्चों के टैलेंट को मंच हिमाचल दस्तक वेब टीवी के साथ। बनाएं एक वीडियो और भेज दें हमें। सबसे अच्छे वीडियो को हम अपने न्यूज बुलेटिन पर करेंगे प्रसारित, तो देर किस बात की, करें व्हाट्सएप।